सब्सक्राइब कीजिए मिस्टी टॉक शो को और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। नमस्कार दोस्तों, क्या सोचती है ये दुनिया हमारे हिंदू धर्म के विषय में, क्या मानना है दुनिया के बड़े विचारकों का। आज इस वीडियो में हम बड़ी बारीकी से इसका अध्ययन करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्यू क्रूफर्ड ने 1790 ईस्वी में लिखा, भारत न केवल मिस्र या ग्रीस की कलाओं तथा विज्ञान का मूल स्थान बल्कि एक सुसंस्कृत तथा सभ्य राष्ट्र था, लेकिन उसे बर्बर जाहिल आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया। दार्शनिक क्षेत्र में मैनिनी ने लिखा, सभ्यता की उच्चता में भारतीय दर्शन प्राचीन काल की भांति आज भी उच्च है। हिंदुओं के मानव मस्तिष्क का विकास उतना व्यापक था जितना मानव द्वारा संभव है। अगर मैं अपने से पूछूं कि हम यूरोपवासी जो अब तक ग्रीस रोमन तथा यहूदी विचारों में पलते रहे, किस साहित्य से प्रेरणा लें जो हमारे भीतरी जीवन का परिशोधन करे, उसे उन्नति के पथ पर अग्रसर करे, व्यापक बनाए, विश्वसनीय बनाए, सही अर्थों में मानवीय बनाए, जिससे हमारे जीवन को ही नहीं हमारी आत्मा को प्रेरणा मिले, तो वह भारत है। ऐसा कहा था प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने। एनी बेसेंट ने हिंदू धर्म को विश्व का सर्वोच्च धर्म बतलाया था। उन्होंने उसे सभी मत पंथों की जननी कहा। उसने हिंदू धर्म में पूर्णतः विज्ञान तथा धर्म में सामंजस्य पाया। उसका कथन है कि बिना हिंदुत्व के भारत का कोई भविष्य नहीं है। इसका यह मतलब है कि यदि कुछ लोग यह सोचते हैं कि धर्मांतरण करके या अपना पितृधर्म छोड़कर उसे खतरे में डाल देंगे, तो यह भी तय है कि उनका अस्तित्व भी खतरे में होगा। विदेशी आक्रमणकारियों और धर्म आचार्यों के कारण अपना धर्म बदलने वाले जितनी जल्दी इस बात को समझ लें तो अच्छा है। अगर वे नहीं समझते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर उन्हें अपने बच्चों को वैसा ही भविष्य देना होगा जैसा कि सीरिया और इराक के बच्चों का वर्तमान है। खैर, हमने नास्ते दमस जैसे अन्य भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों का अध्ययन किया और उनमें से कुछ चुनिंदा भविष्यवाणी आपके लिए लाए हैं। इसके अलावा पुराणों में हिंदू धर्म के बारे में किस तरह की भविष्यवाणियाँ कही गई हैं, इस संबंध में भी हमने खोजबीन की है। या तो तय है कि हिंदू धर्म का भविष्य उज्जवल है, लेकिन भारतीय लोगों का भविष्य तभी उज्जवल होगा जबकि वे हिंदुत्व को समझकर उसे अच्छे से अपनाएंगे, अपनी मातृभूमि और पितृधर्म को समझेंगे। वर्तमान में दुनिया में पिछले सैकड़ों वर्षों से धर्म के नाम पर धर्मों का धर्म युद्ध चल रहा है। धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को खत्म करने में लगे हैं। धर्म का मर्म तो कोई समझता ही नहीं है। अलबत्ता अब ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो खुद के धर्म को सत्य का मार्ग बताकर दूसरे के धर्म की आलोचना करने से चूकते नहीं है। दरअसल धर्म अब धर्म नहीं बल्कि सांप्रदायिक, आपराधिक और आतंकवादी संगठन बन गया है। यह सत्ता हथियाने का हथियार भी है। हर धर्म के सैकड़ों फिरके हैं। संगठित धर्मों ने दुनिया को लगभग नर्क बनाकर ही रखा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि धर्मों का भविष्य क्या होगा। कौन सा धर्म ऐसा है जिसके बारे में कहें कि असल में वही एकमात्र धर्म है, या कि भविष्य में उसी का अस्तित्व रहने वाला है। दुनिया में चार सबसे बड़े ताकतवर धर्म हैं, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध और हिंदू। इसके अलावा यहूदी, पारसी, जैन और सिख धर्म का नंबर आता है। इसमें से पारसी और जैन धर्म अपने अस्तित्व से जूझ रहे हैं, जबकि दुनिया भर में ऐसे भी कई धर्म हैं जिनका कोई खास वजूद नहीं है और वे अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में बहुसंख्यक समाज उनके खिलाफ या उनकी उपेक्षा का जिम्मेदार अवश्य ही माना जाएगा। उपरोक्त चार में से यदि हम हिंदू धर्म की बात करें तो अब इतिहासकार यह बात स्वीकार करने लगे हैं कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन और प्रथम धर्म है। ऋग्वेद मानव सभ्यता की पहली धार्मिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सामाजिक पुस्तक है। लिहाजा हिंदू धर्म से प्रेरित होकर ही उसी में से कई अन्य धर्मों की उत्पत्ति होती चली गई। उनमें से कुछ धर्म तो हिंदू धर्म के खिलाफ खड़े हैं। ऐसा इसलिए माना गया क्योंकि उनकी हिंदू धर्म और भारत के इतिहास के संबंध में मालूमात कम है। भारत को जातियों में बांटकर राज करने के दौर के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यह परंपरा जारी रही और अभी तक जारी है। एक समय था जबकि हिंदू कुश से लेकर अरुणाचल की पहाड़ियों तथा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में रह रहे लोगों की एक जाति थी, समाज था और एक ही धर्म था। लेकिन धर्मांतरण और आक्रांताओं की बदौलत अब यही लोग भिन्न भिन्न संप्रदाय, धर्म और जाति और भाषा में बट गए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि अखंड भारत खंड खंड होता चला गया। खैर, आइए जानते हैं पुराणों, नास्ते दमस और अन्य भविष्यवक्ताओं के अनुसार हिंदू धर्म के विषय में
की गई कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां और उनके विचार। भविष्यवक्ता ऑर्थर चार्ल्स क्लार्क लिखते हैं, जिस प्रकार इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका में है, उसी प्रकार संयुक्त ग्रह राज्य संघ का मुख्यालय मंगल ग्रह या गुरु पर शुरू हो सकता है। सन 1981 के बाद भारत अपने आप में शक्तिशाली हो जाएगा तथा वहां से एक ऐसी जबरदस्त विचार क्रांति उठेगी जो पूरे विश्व में फैल जाएगी। भारत का अध्यात्म पूरी विश्व को स्वीकार करना होगा। अमेरिका के भविष्यवक्ता चार्ल्स क्लार्क के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले एक देश विज्ञान की उन्नति में सब देशों को पछाड़ देगा, परंतु भारत की प्रतिष्ठा विशेषकर इसके धर्म और दर्शन से होगी, जिसे पूरा विश्व अपना लेगा। यह धार्मिक क्रांति 21वीं सदी के प्रथम दशक में संपूर्ण विश्व को प्रभावित करेगी और मानव को आध्यात्मिकता पर विवश कर देगी। और इसके आगे अगर बात करें तो वो है हस्टन स्मिथ, जो कि कहते हैं, जो विश्वास हम पर है और हमसे बेहतर कुछ भी दुनिया में है तो वो हिंदुत्व है। अगर हम अपना दिल और दिमाग इसके लिए खोलें तो उसमें हमारी ही भलाई होगी। बंटेड रसल की बात करें तो उन्होंने कहा, मैंने हिंदुत्व को पढ़ा और जान लिया कि यह सारी दुनिया और सारी मानवता का धर्म बनने के लिए है। हिंदुत्व पूरे यूरोप में फैल जाएगा और यूरोप में हिंदुत्व के बड़े विचारक सामने आएंगे। एक दिन ऐसा होगा कि हिंदू ही दुनिया की वास्तविक उत्तेजना होगी, वास्तविक धर्म होगा। बर्नार्ड शॉ ने कहा था, सारी दुनिया एक दिन हिंदू धर्म स्वीकार कर लेगी। अगर यह वास्तविक नाम स्वीकार ना भी कर सकी तो रूपक नाम से ही स्वीकार कर लेगी। पश्चिम एक दिन हिंदुत्व स्वीकार कर लेगा और हिंदू ही दुनिया में पढ़े लिखे लोगों का धर्म होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।